यार भाइयों, मैं शुरुआत में बता दूं कि ये वीडियो शायद उतनी इंटरटेनिंग ना हो, लेकिन वीडियो पूरा देखना और उसके बाद ही कुछ कमेंट करना प्लीज। शुरू कर। हेलो भाई, तूने अच्छा किया यार, तूने फोन कर दिया। मैं तो इतना खुश हूँ ना, बता नहीं सकता यार। क्या हुआ? साले, मैं इधर टेंशन के मारे में डिप्रेशन में जाने वाला हूँ, तुझे किस बात की खुशी हो रही है? यार तू पहले बताएगा, हुआ क्या, रो क्यों रहा है तू? यार अभी मेरे 1 मिलियन फॉलोवर हुए थे यार टिकटॉक पे, इन्होंने बैन कर दिया इंडिया में। उस 1 मिलियन फॉलो के तुझे कोई पैसे मिल रहे थे क्या? तो छोड़ना, इतना क्यों दिल पे रह रहे? फेमस हो गया था यार मैं, पैसे के पैसे तो बाद में मिल सकते थे, अब मैं बेरोजगार हो गया यार। जाने दे यार, उस चाइनीज ऐप के लिए इतना क्यों रो रहा है तू? तेरे 1 मिलियन फॉलोअर नहीं है ना, तू मेरा दर्द कभी नहीं समझ सकता। ये रोंदू रोना बंद करेगा? और मुझे एक बात बता, तू अपने देश के लिए क्या कर सकता है? मेरा जो बन पड़े मैं करूंगा, देश के लिए तो जान भी हाजिर है। टिकटॉक पहले इंस्टॉल क्यों नहीं किया तूने? अरे भाई, लेकिन वो सालो, यही तो तुम लोग मात खाते हो। जब देशभक्ति दिखानी होती है तो आ जाते हो मोबाइल उठा के, देखो हम कितने बड़े देशभक्ति, देखो हमने देश के लिए क्या क्या यार। और उसी देश ने अगर तुम्हें कहा कि भैया टिकटॉक अनइंस्टॉल करो, टिकटॉक ने तुम्हारे तुम्हारी सिक्योरिटी को प्रॉब्लम है ये वो, तो तुमने हाथ खड़े कर दिए। भाई हम नहीं करेंगे, हम क्यों करें? तब कहा जाती है तुम्हारी देशभक्ति? वो सब तो ठीक है यार, लेकिन अब मेरे टैलेंट का क्या होगा, कौन देखेगा? कौन सा टैलेंट भाई? तू जो करता है ना, उसे टैलेंट नहीं कहते, उसे बस खुद को अलग अलग तरीके से बेइज्जत करना कहते हैं। और वैसे भी 15 सेकंड की वीडियो में सिर्फ होठ हिला के खुद को एक्टर नहीं समझूंगा मैं। लोग तेरी वीडियो सिर्फ इसीलिए देखते हैं कि वो देखना चाहते हैं तू फेमस होने के लिए कितना नीचे गिर सकता है, इसलिए नहीं कि तुझमें कोई टैलेंट है। ना ना बेटा, ऐसे गलत फहमी में मत रहना। अबे इतना क्यों भटक रहा है? क्यों ना भड़को यार, साले मर्दानगी भूल गए थे। आ तो क्या हुआ, वो भूल गए ना, साड़ियां पहन के वीडियो बना रहे थे यार। शे,